सामान्य नागरिक को और ईमानदार आदमी को लगता है कि कम से कम एक निर्णय हिंदुस्तान में हुआ और शायद पिछले 70 साल में ऐसा निर्णय नहीं होगा जिसमें उसकी ईमानदारी के ऊपर प्रीमियम रखा गया, और उसको लगता है कि जो भ्रष्ट व्यक्ति थे और व्यवस्था में भी जो कमजोरियां आई थी उसको परिवर्तित करने का यह निर्णय एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा। ये कितना बड़ा निर्णय है और इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए सरकार को, और जिसको शासन करा चाहते हैं स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, दुनिया भर के हर देश में, विकसित देशों में जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था जीडीपी होती है उसकी औसतन 4% करेंसी होती है, हिंदुस्तान में 12% है। और जब ज्यादा करेंसी घूमती है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा व्यवसाय कैश में होता है, कैश में होता है तो बैंकिंग व्यवस्था के बाहर से होता है, फिर उसके साथ ब्लैक मनी, टैक्स का नॉन कंप्लायंस, उसके साथ अन्य भ्रष्टाचार, टेररिज्म, काउंटरफेट करेंसी, जब करेंसी की वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो ये स्वाभाविक उसके साथ जुड़ते हैं। आप अगर देश की टैक्सेशन व्यवस्था देख लें, हम हर साल बजट पारित करते हैं, तो बजट में एक शब्द आता है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा कितना रहेगा, इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसका अर्थ है कि हम लोगों को लगभग इस वर्ष का लेने तो 8 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, 8.5 लाख के करीब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होगा, लेकिन सरकार का देश का खर्चा चलाने के लिए हमें 4-5 लाख करोड़ इसके ऊपर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 16.5 लाख से देश नहीं चलता। आप में से मैं उत्तर नहीं मांग रहा, एक बार केवल अपने मन में कि ईमानदारी से टैक्स देने की व्यवस्था देश में कायम हो जाए तो ये जो 2 आंकड़े दिए हैं इसकी तुलना में कितना होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या ये उधार लेकर देश चलाना पड़ेगा? क्या बजट का बड़ा हिस्सा उस उधार के ऊपर ब्याज को वापस लेना पड़ेगा? ये जो आज ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हैं क्योंकि हम पूरा निवेश नहीं कर पाते, क्या देश के पास इतने साधन होंगे कि उस दिशा में हम लोग निवेश कर पाए? यही 4-5 लाख करोड़ रुपया सालाना और अधिक गरीबी मिटाने में गांव के क्षेत्र में चला जाए, और इसका सारा प्रत्यक्ष संबंध जो है वो गरीबी के साथ है, गरीब लोगों के साथ है, उसको उसका उन्मूलन करने के साथ है। ये मैं इसके आर्थिक प्रभाव का असर कह रहा हूं। भारतीय सामान्य जीवन क्या है, ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। मुझे संपत्ति खरीदनी है तो इतना कैश में, इतना चेक में, मुझे व्यवसाय करना है तो इतना कच्चे में, इतना पक्के में, मुझे चुनाव लड़ना है तो किस तरीके से साधन आएगा, स्कूल के टीचर को वेतन मिलेगा तो कितना कैश में जाएगा और वापस मिलेगा, देश भर के मजदूर को, आप ये जो वामपंथी बात कर रहे हैं कम से कम इनको सोचना चाहिए कि किस व्यवस्था से वो हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथियों को तो कहना चाहिए था कि देश के मजदूर को न्यूनतम वेतन कई बार नहीं मिलता, ट्रेड यूनियन कहती है और ये सच्चाई भी है, कैश में दिया और हस्ताक्षर करा लिए, और आज जब डिजिटल ट्रांसफर होगा हर मजदूर के खाते में तो स्पष्ट आ जाएगा कि किसको कितना वेतन मिला है, किसने कानून का पालन किया है, किसने नहीं किया। तो गरीब को, मजदूर को, हमारा सामान्य जनजीवन व्यतीत करना कि जो ये भारतीय सामान्य है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि जो 70 साल से नॉर्मल माना जा रहा था कि इतना कैश में, इतना चेक में, इतना कच्चे में, इतना पक्के में, उस नॉर्मल को तैयार करके प्रधानमंत्री जी ने एक नया नॉर्मल क्रिएट करने का प्रयास किया। ये इसके देश के, हमारे जनजीवन के ऊपर एक असर है, और ये कठिन नहीं है।
निर्णय कितना बड़ा है इसको हम लोग सोचें कि आपको महीनों महीने लगते हैं ये जो बड़े डिनोमिनेशनल नोट हैं 500 और हजार के, ये 86% हिंदुस्तान की करेंसी है, 86%। इसको छपाई में ही बहुत लंबा समय लगता है। उसके बाद 125 ब्रांच है बैंक की, 125,000, 125,000 ब्रांच, 125,000 ब्रांच, 125,000 ब्रांच बैंकों में जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए 125,000 कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिनमें से 86,000 सक्रिय हैं, उनके पास जाएगा। 130,000 पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, फिर एटीएम पे जाएगा। और एटीएम आप 8 तारीख से पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटीएम की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें बात लीक हो जाती थी अगर पहले उसको करते तो। हर एटीएम बदलने में 4 घंटे लगते हैं, 2,00,000 एटीएम है। तो 5-6,00,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे करेंसी छपना, महीनों महीने तक छपना, 5-6,00,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचना, और जिस दिन आपने निर्णय किया अगले दिन से वैकल्पिक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, और इसको गोपनीय रखना, इतने बड़े ऑपरेशन को। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था, फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। भाई अगर हम लोगों को ही मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था। मतलब इस तरह की आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन और उसको सीक्रेट रखना, छपाई हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गया, केवल 24 घंटे का ब्रेक, इतना कठिन निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना। और स्वाभाविक था कि जब करेंसी बदली जाएगी तो पहले कुछ दिन लाइंस लगेंगी, धीरे धीरे कम होती गई। अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोई सीजन है। इसलिए तरह तरह से सरकार में उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, किसानों तक मामला पहुंचे। कल रात को कुछ निर्णय हुए हैं जो आज सार्वजनिक कर दिए जाएंगे इस संबंध में। अब इसका पूरा आर्थिक अर्थ आप समझ लीजिए। हम क्या कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, सरकार बहुत खर्चा कर रही है पब्लिक फाइनेंसिस का, विदेशी मुद्रा खूब आ रही है, लेकिन दो तकलीफ भी थी। ये दो इंजन पे अर्थव्यवस्था चल रही है और उसके साथ भी दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था, और चुनौती थी कि अन्य इंजन कैसे चले। निजी क्षेत्र का निवेश कमजोर था, और क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो बड़े बड़े उधार लोन दिए गए थे और ऐसे लोगों को दिए गए कि जो नहीं लौटा रहे थे, ये कोई एनपीए वो नहीं है जहां हमारी सरकार के आने के बाद लोन दिए गए थे, तो उनके कामों का असर जो हम पे पड़ रहा था, बैंकों की क्षमता एनपीएस के होते हुए उद्योग को सपोर्ट देना, ट्रेड को सपोर्ट देना, कृषि को सपोर्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना, एक सीमित क्षमता हो। आज इस व्यवस्था को आप देखिए कि लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। बैंकिंग व्यवस्था में जब वो आता है, और क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आता है, तो इसको लो कॉस्ट मनी कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम कीमत बैंक को देनी पड़ती है। अब बैंकों में जब इतनी बड़ी संख्या में आता है तो एकाएक बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और क्योंकि ये लो कॉस्ट सस्ता कैपिटल आया है, स्वाभाविक है कि
उस ऋण देने की जो क्षमता होगी उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो ब्याज होगा, वो भी अपने आप कम आएगा। बैंकों ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैंक अपने खाते में रख के उसका कोई लाभ नहीं होगा पैसे का, वो आगे देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में अन्य साधन चले जाएं, और जिसको हम कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी, वो एकाएक बढ़ जाता है। ब्याज के ऊपर असर पड़ता है। अब इसकी दूसरी आप कल्पना देखिए, ये पूरी बहस कि कितने लोगों पे क्रेडिट कार्ड है, ये है, इसका असर उस पर नहीं पड़ने वाला। दुनिया जिस दिशा में आज हमें कठिनाई लगती है कि कैसे होगा, मुझे याद है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप में से कई लोग उस वक्त सक्रिय थे, माननीय अडवाणी जी को याद होगा कि 1996 में मुंबई में रेसकोर्स पे बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें माननीय अडवाणी जी ने घोषणा की थी कि अटल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हमने पहली बार पार्टी की तरफ से 7 मोबाइल फोन खरीदे थे, और अधिवेशन की खबर कम छपती थी और मीडिया में यही खबर आती थी कि बीजेपी, देखिए लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आज से 20 वर्ष पहले अटल जी की सरकार में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, रामविलास जी उस वक्त थोड़ी देर के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर थे, तो मोबाइल का वो जिक्र करते थे तो अमीर आदमी का फोन। तो 15 साल पहले और 12 साल पहले अगर आपको कहा जाता कि हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो लोग हंस पड़ते, लेकिन ये परिवर्तन आया है डिजिटल में, और ये डिजिटल की क्रांति। और आज किस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं? आज दिल्ली के स्कूलों ने मां बाप को SMS भेज दिया कि फीस आप कैश में नहीं जमा कराओगे, केवल मोबाइल पे आप डिजिटल के माध्यम से फीस जमा करा सकते हो। अलग अलग संस्थाओं में मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन से कम, अब सबके लिए मजबूरी है, एकाएक आपको डिजिटल ट्रांसफर मजदूर के अकाउंट में करना पड़ेगा। और जो लोग अगर निकट से इसको देखते तो उनके लिए हैरानगी नहीं होती। मोदी जी का पहला निर्णय क्या था, सरकार बनी तो SIT बनाई ब्लैक मनी के खिलाफ, जो 2011 से पेंडिंग था, 3.5 साल हो गए थे, कांग्रेस के लोग नहीं बना रहे। दूसरा निर्णय, जो पहला बड़ा आर्थिक निर्णय क्या था, जनधन योजना, 58% लोगों का बैंक अकाउंट है, बाकी 42 को बैंक से जोड़ो। अगला निर्णय क्या था कि जिनके विदेशों में खाते हैं 60% ब्याज पे, 60% टैक्स पे जमा कराओ, नहीं तो 7 साल की 10 साल की सजा। जिनके HSBC लिंचर स्टाइल में अकाउंट से इन्वेस्टिगेशन खत्म की, केसेस दायर कर दिए। बेनामी संपत्ति जब्त हमने पारित किया, 1 नवंबर से लागू हो गया, और वो कानून लागू होता है केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं, मूवेबल पे भी, कि मैं दूसरों के नाम पे बेनामी करता जाऊं तो जब्त भी होगा और 7 साल की सजा भी, ये कानून था। उसके बाद मॉरिशियस रूल 1996 से चल रहा था कि मॉरिशियस, साइप्रस, सिंगापुर, यहीं से पैसा बाहर जाता है, घूम के उस रास्ते से आता है और टैक्स नहीं देता। मॉरिशियस वाला हमने रद्द कर दिया, साइप्रस वाला रद्द कर दिया, सिंगापुर से बात चल रही। उसके बाद 45% पे जिसके पास देश में ब्लैक मनी है जमा कराइए, 45% टैक्स पे। तो एक के बाद ये एक कदम सारे जो उठ रहे थे कि भाई हम आपको अवसर दे रहे हैं कि ब्लैक मनी को समाप्त कीजिए, ज्यादा आपने अब ब्लैक मनी जेनरेट कहां से होती है, तो GST आने से जब सारी ट्रांजैक्शन नेट के ऊपर आ जाएगी
हर खरीदारी, हर मैन्युफैक्चर, हर बेस, हर एवरी लिंब ऑफ ट्रांजैक्शन। और जहां खर्चा करोगे 2 लाख से ज्यादा तो पैन कार्ड दो, तो जनरेशन को भी कठिन कर दो, और खर्चा करना है तो स्वाभाविक तरीके से जो टैक्स पेड पैसा है उससे करिए। तो ये सारे कदमों को जोड़ लीजिए और 2.5 साल में ये वो कदम है जो 70 साल को सामूहिक ले लिया जाए तो किसी सरकार ने कुल मिला के कुल योग नहीं कर। अडवाणी जी ने ब्लैक मनी के खिलाफ यात्रा निकाली थी, एक सवाल पूछा था आप क्या कर रहे हैं, आप 70 साल की बैलेंस शीट और ये 2.5 साल इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनको एक के बाद एक कंपेयर करें। और इसका असर था कि यह स्वाभाविक अगला कदम था, और इसका अब असर क्या होगा, मैंने पहला असर आपको बतलाया कि स्वाभाविक है कि थोड़ा सा करेंसी स्क्वीज होगी, और करेंसी स्क्वीज से थोड़े दिनों के लिए व्यवसाय कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद सारा का सारा व्यवसाय, कोई ये कल्पना नहीं करता कि 100% कोई अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाएगी, करेंसी रहेगी, कैश रहेगा, लेकिन अधिक मात्रा में डिजिटल रिप्लेस करता, जैसे वेतन आपको चेक से मिलता है, बैंक अकाउंट, हमारे सांसदों की तनख्वाह अपने आप बैंक में पहुंचती है, कोई कैश नहीं देता, मजदूरों की पहुंचती है, हर कर्मचारी की पहुंचती है, स्कूल फीस की पहुंचती है, तो हर प्रकार का जो ये व्यय है, पहले हम लाइन में लग के कैश में टेलीफोन का बिल देते थे, आज अपने आप जाता है डिजिटल से, तो एक एक खर्चा इस प्रकार से होता जाएगा। और एक एक सप्ताह में, पिछले 10-12 दिन में, ये जो डिजिटल यूजर है अलग अलग उद्योग में कहीं 400% बढ़ गया, कहीं 300% बढ़ गया, इस तरह की समाचार आ रहे हैं, तो ये उस दिशा में मूवमेंट है। दूसरा इसका असर ये है कि अन्य ट्रांजैक्शन सारे जैसे ही एक्सपैंड करते हैं तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था का साइज भी बनेगा, क्लीनर भी। ब्लैक मनी से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी, क्राइम में जो पैसा जाता है, ब्राइबरी में जो जाता है, रिश्वत में जाता है, काउंटरफीट करेंसी में जो जाता है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और टेररिज्म एरिया से लगभग इस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आ रहे हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कठिनाइयां भी हैं, आप एकाएक सारी करेंसी रिलीज कर दें तो देश में कुछ लोग हैं जो आजकल योजना बनाते रहते हैं कि कैसे हम ब्लैक टू ब्लैक कन्वर्ट कर लें, हम सब सुनते होंगे, तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। तो धीरे धीरे सरकार, और इसमें रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, कि कैलिब्रेटेड तरीके से आप 2-3-4 सप्ताह लेकर इसको धीरे धीरे से मार्केट में जाते जाइए, रिस्ट्रिक्शंस को हटाते जाइए। डीमोनेटाइजेशन के बाद अभी जो कदम हुआ है उसमें डीमोनेटाइजेशन शब्द नहीं है, अभी है सीजेशन ऑफ लीगल टेंडर, 500 और 1000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं। डीमोनेटाइजेशन के लिए कुछ और कानूनी कदम चाहिए होते हैं जो सरकार आवश्यकता अनुसार उठाई है। जब ये सीजेशन ऑफ लीगल टेंडर है तो इसके बाद एक डीमोनेटाइजेशन की वैकल्पिक करेंसी लोगों के पास पहुंचे, वो एक कैलिब्रेटेड तरीके से पिछले 14 दिन से चल रही है, और आने वाले 1-2 सप्ताह में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष रूप से हम लोग प्रभाव इसको डालेंगे। और जब रीमोनेटाइजेशन एक रीजनेबल लेवल पे आ जाता है तो तब ये सारी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को वापस लेकर सामान्य तरीके से फिर व्यवसाय चलता रहेगा, जो कि बहुत लंबे अवधिकाल बाद नहीं होता है, वो स्वाभाविक तरीके से चलेगा। कुछ समय के लिए कठिनाई रहेगी, लेकिन आप इस ऑपरेशन को देखिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन सीक्रेट रखना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से लाभ मिलना, देश में एक ईमानदारी, क्राइम से काफी हद तक कटौती और मुक्ति, ब्लैक मनी कम करने का प्रयास, ईमानदारी जनजीवन में लाने का प्रयास, अर्थव्यवस्था का और जीडीपी का लॉन्ग टर्म में साइज बढ़े,
क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमी बढ़ेगी, शैडो इकोनॉमी कम होगी। ये जब सारे लाभ इसमें से निकलेंगे तो देश को की एक बदली हुई तस्वीर उभर के सामने आएगी। और जब कभी देश का इतिहास लोग लिखेंगे आज से 20-30 साल पहले इस युग का, तो इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम इस देश को स्वच्छ करना और इस देश की प्रगति करना उस दिशा में बढ़ाएंगे, जिसके लिए ऐसा निर्णय लेने की बहुत लोग चर्चा करते हैं लेकिन इसको लागू करने की हिम्मत नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कदम उठा है, जिसके लिए वो अभिनंदन करते हैं।